प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका नाम है डोंट नो व्हाई, ये लव इज लव इसका नाम है। एक हमारी फिल्म आई थी डोंट नो व्हाई ना जाने क्यों, जिसको अराउंड 11 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे, तो ये उसी की ही एक और पार्ट है और ये एज अ मूवी भी आ रही है और एज अ वेब सीरीज भी, तो उसी की आज शूटिंग चल रही है। सर ये डोंट नो व्हाई फ्रेंचाइजी स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट तो ऐसे हो गया कि ये एक कहानी जो सोच के बनाई थी, जो सोचा नहीं था कि हम ये इतनी रीच आउट हो जाएगी ये कहानी। इसके फर्स्ट पार्ट में थे जीनत अमान, कबीर बेदी, हेलेन, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और काफ़ी कलाकार, तीन रिलेशनशिप्स पे थी ये। बट इस फिल्म को काफ़ी तारीफ मिली, इनफैक्ट अभी तक ये फिल्म फेस्टिवलों में इसका चल रहा है, काफ़ी अवार्ड्स ये सब। तो इसका होते होते कहीं ना कहीं इसका सेकंड पार्ट भी बना, जो एक यूरोपियन फिल्म बनी थी डोंट नो व्हाई लाइफ इज़ अ मोमेंट, जिसमें पूरे टेक्नीशियन सब यूरोप के थे और नॉर्वे में शूट हुई थी। तो इसका एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी बना एंड कहीं ना कहीं अपने आप ही एक फ्रेंचाइज बन गई, तो क्योंकि इसकी एक फैन फॉलोइंग काफ़ी हो गई एंड काफ़ी स्पेशली काफ़ी डिजिटल जो आजकल जो ऑडियंस है उन लोग काफ़ी चाहते थे कि ये फ्रेंचाइज आगे चले, तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। सर ये फ्रेंचाइजी LGBTQ राइट्स को प्रमोट करती है, उनके लिए स्टैंड लेती है, तो जब गवर्नमेंट के बिल पास करने से पहले से ये फ्रेंचाइजी चल रही है, तो क्या बिल आने से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? यस डेफिनेटली हुआ। हमने तो जो पहला बनाया था पार्ट, जब तो ये लीगलाइज था ही नहीं, तो उस समय हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे इसके रिलीज़ के सिलसिले में, काफ़ी डेथ थ्रेट्स आए थे, एनोनिमस लेटर्स आए थे, मेरे घर के नीचे ही काफ़ी बड़ा प्रोसेशन हुआ था ये फिल्म के रिलीज़ के रोकने के लिए, पोस्टर वोस्टर फाड़े गए थे, सब बहुत कुछ हुआ था फर्स्ट पार्ट पे। सेकंड तो सिंस इंटरनेशनल भी थी और नॉर्वे जैसे कंट्री में तो कुछ 25 साल हो गए हैं लीगलाइज हुए ये सब, तो वहाँ तो खैर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उसमें हमने इशू लिया था इंडिया पाकिस्तान कनेक्टेड ऑन दिस इशू पे, तो इंडिया में तो ठीक रहा था, पाकिस्तान से हमको काफ़ी उस समय ब्रिक बैट्स मिले थे, बट अब ये जब आ रही है ये तीसरा, तो इस अब तो लीगलाइज है, तो आई थिंक कुछ इसके में प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करने चाहिए, कई लोगों ने इस तरह के सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट भी किए। तो सर अभी इस थर्ड पार्ट के कास्ट के बारे में कुछ बताइए, कौन है क्या है? इसमें जरीना भाग जी हैं, किट्टू गिडवानी, मोना अम्बे गांवकर, विदिता बाग, युवराज पाराशर, मैं एक रोल कर रहा हूँ और कई सारे इसमें नए कलाकार भी हैं, जैसे एक शाहजान है, ऐसे कई नए कलाकार भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। सर आपका भी लाइक यू नो एनिमल बिहेवियर बाकी सब कैरेक्टर्स और सब लोग के साथ कैसा है? मेरा तो सबके साथ अच्छा ही है, अच्छा ही पूरे एक्टर्स को एक्टर्स पूरी यूनिट ही अच्छी मिली है एंड बहुत शांतिपूर्वक काम चल रहा है एंड आई थिंक एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव। जरीना जी के साथ मैं सेकंड टाइम काम कर रहा हूँ, मेरी एक और वेब सीरीज़ आ रही है लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स, जिसमें जीनत अमान और जरीना भाव कुछ आई थिंक 35 साल बाद साथ में आ रहे हैं, कि जरीना भाव ने अपना करियर स्टार्ट किया था जीनत अमान की साथ इश्क 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 देव साहब की फिल्म थी, उसके बाद वो दोनों फिर से साथ में आए, तो जरीना जी के साथ बहुत अच्छा रहा, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, लाइक यू नो यू डोंट फील लाइक दैट शी सच अ सीनियर एक्टर एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। एंड किट्टू जी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम काम हो रहा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है उनके साथ, बिकॉज जिस तरह का इसमें वो रोल कर रही हैं, कभी भी वो आज तक इस तरह के करेक्टर में नहीं दिखी हैं, एक उनकी इमेज है ऑलवेज वेरी अर्बन पॉलिश, बट
इसमें टोटली ऑपोजिट है, जो आज तक कभी उन्होंने इस तरह का रोल किया ही नहीं है. तो उनके लिए भी चैलेंज था, हमारे लिए भी चैलेंज था, एंड आई थिंक इट्स गोइंग वेल. डायरेक्ट करना डेफिनेटली, बिकॉज इट्स लाइक बहुत फोकस देना पड़ता है, बहुत चीज़ हर चीज़ देखनी पड़ती है. पहले मुझे लगता था एक्टिंग से ही मैं करके लगता था कि मैं कितना थक गया, कितना ये हो गया, लेकिन जब डायरेक्शन का शुरू किया तो मुझे समझ में आता है कि ये तो उससे चार गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है. अकॉर्डिंग टू मी, सिंस मैंने लिखी भी थी, मेरे हिसाब से ये जो इंस्टॉलमेंट है अभी तक की ये तीनों में बेस्ट है, क्योंकि पिछले दो साल से चल रहा था ऑडियंस का कि इसमें आना चाहिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, पर हम नहीं बना रहे थे क्योंकि कोई ना कोई कहानी क्लिक नहीं हो रही थी, क्योंकि हो तो उससे स्पेशल हो, फर्स्ट से बेटर हो, या तो नहीं हो, बने ही नहीं. समहाउ ये कहानी हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ह्यूमर है, एंड सो आई थिंक जो इसके फैंस हैं दे विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद द लेटेस्ट वन. हमारे फिल्म का नाम है डोंट नो व्हाई ना जानते क्यों का, ये थर्ड पार्ट है, लव इज लव. ये एक इमोशनल स्टोरी है जिसमें काफ़ी ह्यूमर भी है, और अभी कहानी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं बस यही चाहूँगा कि एज अ डायरेक्टर या राइटर आई फील ये जितने भी हमारे तीन भाग आए हैं उनमें सबसे बेस्ट ये होगी. पहले वाले को अराउंड 11 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, दूसरे वाले को भी काफ़ी अवार्ड्स मिले, बट मुझे लग रहा है ये मेरी पर्सनल फेवरेट होने वाली है. मैं बोला था फिल्म की कहानी में बताइए, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जी बैठी हैं, उनके साथ कोई और बैठा है, आप तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, युवराज जी खड़े हैं, क्या चल क्या रहा है, थोड़ा आप समझा दीजिए. किट्टू जी इसमें एक ऐसा किरदार प्ले कर रही हैं जो उन्होंने कभी आज तक नहीं किया है. हमेशा हमको आदत है उनको एक रिच पॉलिश अर्बन लेडी के में, इसमें वो एक स्ट्रीट साइड प्रोस्टिट्यूट बनी है, एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट जिसकी अब एज हो रही है, उम्र हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं चिड़ी रहती है, उसको क्लाइंट भी अच्छे नहीं, जैसा वो चाह रही है वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उसको एक यंग क्लाइंट मिला है, तो जिसको वो बहुत खुश हो के उसको एक बहुत पॉश रेस्टोरेंट में लाया है, तो वो बहुत खुश है, लेकिन ये आके उसकी डेट बिगाड़ने में लग जाते हैं उधर, इनको कुछ काम है जिसके लिए उसको ले जाना चाहते हैं. दूसरा क्या है, बेसिकली एक्चुअली इंटरनेशनली बनाया गया था, वो यूरोप मार्केट के लिए बना गया था, और वो एक यूरोपियन उसके फिल्म मेकर्स टेक्नीशियन काफ़ी सारे जो एक्टर्स थे वहीं के थे, तो एक वहाँ का एक चीज़ सोच के बनाया गया था, तो वो उधर ही ज़्यादा चली है. इधर हमने इसके पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उसकी हमको लगा था ऑडियंस शायद वहाँ उस सब्जेक्ट के लिए उधर ज़्यादा है. ये जो साल है इस समय ये भी हुआ है कि जो इस पर सेक्शन लगा हुआ था वो हट गया है, तो और बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं इसी विषय पर, एलजीबीटी कम्युनिटी पर, क्यों आपको लगता है कि इस बार एक बार और खुलकर मार्केट में ये आएगा, लोग और ज़्यादा हाथों हाथ लेंगे, ऐसा लगता है? हाँ, अब लेंगे, क्योंकि पहले तो बहुत प्रॉब्लम है हो चुकी हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत फेस की, डेथ थ्रेट्स, मोर्चे निकले, पोस्टर फाड़े गए, लेकिन अब जब से ये लीगल हुआ है तो बहुत सारे इस पे कई सारे सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, एंड आई थिंक अब खुल के लोग देखेंगे, जो पहले झिझकते थे अब नहीं झिझकेंगे. फिल्म मेरी ये चौथी है, मेरी एक फिल्म ऑलरेडी रेडी है,
जो कि रिलीज होने को है, बट हाँ ये दोनों वाय का ये तीसरा भाग है और मेरा ये अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है, बिकॉज मैं कुछ ऐसा प्ले कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। दो अ प्ले अ गेम एंड इट्स डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग, बट उसके अलावा भी इस फिल्म में कुछ है जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, जो ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। तो उसे प्ले करने के लिए काफ़ी मुझे मेहनत भी करनी पड़ी, थोड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं शूटिंग के दौरान, बट मज़ा भी आ रहा है। जी जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लता जी ने लास्ट गाना हमारी फिल्म के लिए गाया है 2015 में, एंड उसके बाद लता जी ने आई थिंक कोई फिल्म के लिए तो नहीं गाया। देखिए एक छोटी फिल्म होती है, ये बड़े बजट की फिल्म तो है नहीं, सही बात, एक छोटी फिल्म होती है उसमें लता मंगेशकर का सुना जीना दमान हंस के आती है और काम करती है, आपके साथ आगे भी उन्होंने सीरीज की थी, लेकिन इस बार आपके एक तो पुराने चेहरे होंगे और बाकी सब नए होंगे, कोई बड़ा नाम जो आपको साथ दे रहा है, आपके साथ आ रहा है जैसे लता जी का या जीना जी का था? मेरे लिए तो जो जितने हैं सारे ही स्पेशल हैं एक्टर, सुने में वैसे इसमें जरीना भाग जी हैं वो जुड़ी हैं, किट्टू गिडवानी हैं, मोना अम्बेगांवकर हैं और विदिता बाग और कई नए कलाकार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। सो युवराज सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है कपिल सर के साथ काम करने में? Because we both are like good friends and we are working since last 2011 together, Don't Know Why 1, Don't Know Why 2, Don't Know Why 3, now Love Life Screw Up Season 1, Season 2. So it's always a very good experience and I believe as a writer he's definitely always, he has written good scripts. But now into direction also, I'm happy, like I'm working in his under his direction. So is he a strict director or like, you know? He's not a strict director, but he's very focused director. What he wants, he try to take that out from his actors, and which I appreciate because gussa bahut kam karte hain set pe. Jitna koshish karte hain ki actor unki baat bina gussa kiye samajh jaye, so which is like I really appreciate that. So aapka experience baaki sab characters log ke saath kaam karke kaisa preparation karna pada aapko? जैसे कि मैंने कहा, मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ी, बिकॉज मैं, मेरा कैरेक्टर क्यों स्पेशल है वो नहीं, मैं जान से मार डालेंगे अभी। बहुत मैंने मेहनत की है एंड ड्यूरिंग द शूट एक्टिंग जब मैं कर रहा होता हूँ मुझे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मेरे लिए मैंने बहुत होमवर्क किया इस फिल्म के लिए एंड वर्कशॉप भी की हैं काफ़ी, तो बहुत स्पेशल है ये फिल्म मेरे लिए, बहुत स्पेशल है। चीज़ कहना चाहूँगा, एज कपिल सेड, लाइक लव इज लव एंड आई बिलीव लव हैज नो जेंडर एंड इट्स अ मूवी, आई डोंट वांट टू टैग दिस फिल्म, हर फिल्म की एक कहानी होती है, तो उसी तरह से इस फिल्म की भी एक कहानी है, तो इसमें कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज होगा एंड में, तो मैं ऑडियंस से अपील करूँगा कि प्लीज़ आप फिल्म देखें जैसे आप फिल्म देखते हैं, उस नज़रिए से फिल्म देखें, इट्स अ वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड एंड गुड एक्टर्स, सो दैट्स इट। और कभी बताऊंगा, मैंने ये लिखा रेखा जी की कहानी है पर किसी अभिनेत्री पे कहानी है और वो बायोपिक एक बनने वाली है, उस पर वर्क चल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ रीजंस था उस समय नहीं शुरुआत हो पाया, उस पर और भी कुछ रिसर्च करना था एंड जल्द शायद पता चले, एक कोई कला, एक बहुत बड़ी अभिनेत्री की लाइफ पे एक बायोपिक शायद बनेगी जल्दी और शायद मैं ही वो डायरेक्ट करूँ। थोड़ा सा आपको बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो अभी नहीं बता सकता, वो कुछ नहीं बोल सकता। शायद मैंने बहुत बुरी एक्टिंग की है कि मैं ड्रंक लग रही हूँ, लेकिन और मैं इस सीन का के डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो पूरी इस कहानी का मुद्दा चले जाएगा और इस इसकी जो मिस्ट्री है वो चले जाएगी व्यूअर्स के लिए, तो नहीं बताऊँगी मैं। किरदार के बारे में बता सकती हूँ, आई प्ले ओल्डर प्रोस्टिट्यूट
मुस्लिम प्रोस्टिट्यूट नेम फातिमा, और वो काफ़ी आजकल बुरे दिन आ गए उसके, उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, और अचानक वो इन दोनों लड़कों की लाइफ स्टोरी में मिक्स हो जाती है, तो इनकी कहानी में वो आ जाती है, और कैसे उनके साथ जो जर्नी होता है वो कैसे होता है। सर आपसे जानना चाहूँगा टीटू मैम कैसे हैं, उनको थोड़ा सा बताइए कहानी में कैसे टीटू मैम को मैं बहुत चाहता था कि वो इस रोल में हो, क्योंकि एक तो ये कि मैंने हमेशा एक बहुत अनयूजुअल कास्टिंग की, ये हमेशा बहुत ही पॉलिश रिच तो उस तरह का था, और ये जो एक करेक्टर है टोटली कॉन्ट्रास्ट, एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, एवरीवन वांट्स टू वर्क विद हर, सो आई फेल्ट कि ये एक उसको बहुत क्रेडिबिलिटी दे देंगी उस करेक्टर को, एंड एक बहुत फ्रेशनेस आएगी, बट आई वॉज नॉट श्योर वेदर शी वुड से येस और नॉट, एंड आई कॉल्ड हर अप एंड she was like, you know, if I like the role I'll do it, otherwise not. So I told her the role and I met her, and she just started laughing during the role. She just, I think she really liked, enjoyed. Very unusual role. Jab approach kiya gaya to kya reaction tha aapka? इंसान है, चाहे वो LGBTQ हो या प्रोस्टिट्यूट हो, सब इंसान है, और हर एक इंसान की कहानी होती है, हम सब की कहानी होती है जो एक मूवी में बनाई जा सकती है, तो बस ये एक ऐसी कहानी है, और कुछ कहानी को कुछ मोड़ दिए गए हैं, कुछ स्पेशल एक स्पेशल कहानी बनाई गई है, लेकिन थीम्स जो हैं वो यूनिवर्सल थीम्स, लव। ईजी बोला तो एक्टिंग, बट डेफिनेटली व्हेन यू वर्क विद एक्टर लाइक किट्टू जी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जब मैं पहले दिन किट्टू जी के साथ पहला सीन देने वाला था तो मैम आई एम फॉलोइंग हर, मैम उनका बहुत बड़ा फैन हूँ शुरू से, तो थोड़ा नर्वस भी था, बट डेफिनेटली आपने बोला कि एक्टिंग और प्रोड्यूसर में क्या फ़र्क है, प्रोड्यूसर एक अलग जॉब है, एक एक्टिंग अलग जॉब है, एंड आई फील लकी कि मुझे भगवान ने दोनों जॉब दिए हैं प्ले करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैम बहुत सपोर्ट करती हैं ड्यूरिंग द एक्ट, एंड एक अच्छा लगता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, या फिर वो बहुत सीनियर हैं, या मैंने कम काम किया, ऐसा कहीं भी मुझे फील नहीं होता है। मैं कहानी में इस स्टोरी में उसको गालियाँ देती जा रही हैं गंदी से गंदी, और मुझे हंसी आती रहती है। मेरा बेस्ट पार्ट है इस मूवी में, लाइक जो मेरा किट्टू मैम के साथ जो ट्रैक है, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। जब आप यंग डायरेक्टर्स एक्टर्स राइटर्स के साथ काम करते हैं देन यू ऑल्सो फील वेरी यंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम इसके अलावा बहुत सारी वेब सीरीज भी आ रही है, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा मतलब जो नए डायरेक्टर्स भी आते हैं तो उनके लिए कितना बहुत बड़ा चांस है कि मतलब अपने कला को दिखाए ऑडियंस? बहुत बड़ा चांस है, इनफैक्ट ये मुझे रिमाइंड करता है टीवी के पहले दिन, जब बहुत नई कहानियाँ लिखी जा रही थी और बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर्स भी टीवी कर रहे थे, जैसे श्याम बाबू, गोविंद निहलानी वगैरह वगैरह, तो मुझे उन दिनों की याद आ रही है। इमोशन से प्यार से बनाई जा रही है, एंड कोई भी चीज़ जो आप एक त्रुट से सच्चाई से बनाते हैं अपने आप उसी USP हो जाती है, अपने आप ही पसंद आएगी।